भारत सरकार के पूर्व मंत्री सम्मानीय सुभाष जी मेरे साथ, हमारे लोकप्रिय प्रधान पंचायत समिति धूप के भाई ओम प्रकाश जी जी के साथ, हमारी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बाबूलाल जी कुमार, हमारे नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय इस्माइल जी, हमारे धोध के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय बनारा साहब, हमारे बीच पूर्व उप जिला प्रमुख मेरी बहन सम्माननीय पूर्ण कंवर जी, वाइस चेयरमैन मेरी बेटी शिफा, हमारी बागी सिंह जी जो सभी पंचायतों के अध्यक्ष हैं, गेटी के नाम से पुकारे जाते हैं, हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष भामू साहब, मानाराम जी भामू कवि जो अभी चर्चा कर रहे थे, सुभाष जी पूरे चुनाव में छाए रहे, पूरे चुनाव में बहुत शानदार कविताएं सुनाई। अब हमारे बीच रिशपाल जी, हमारे गिरधर जी रणवा साहब, मुन्नालाल जी गोड़ साहब, सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, सभी सम्मानित पंचायत समिति के सदस्यगण, हमारे रणवा साहब, बीएल रणवा जी, उपस्थित सभी जिला परिषद के पूर्व सदस्यगण, सभी सम्मानित महानुभाव, मेरी बहन गोठवाल बेटी कह दो जो पंचायत भीमा की सरपंच है, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कहूं आपने आज इतना बड़ा सम्मान मुझे दे दिया, इतना बड़ा प्यार, मालाओं से पूरे लोसल में, जैसे सुभाष जी ने कहा 7-8 किलोमीटर लंबा एक जुलूस के रूप में, मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं आपका धन्यवाद करूं, आपकी जय जयकार करूं, आपका स्वागत करूं, कोई शब्द नहीं। बार बार ये बात कही गई, 25 साल की बात सही है कि लोसल के 36 बिरादरी के महानुभाव माता और बहनों ने, मेरे नौजवान साथियों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, जो मेहनत जिस लगन के साथ आप लोगों ने चुनाव लड़ा, कोई शब्द नहीं है कि आपका धन्यवाद करूं, आपका स्वागत। बहुत ही जोश के साथ आप लोगों ने मेहनत की, आपकी जीत हुई, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोसल और धोध के 36 बिरादरी की जीत है, मेरी माँ और बहनों की जीत है, मेरे नौजवान साथियों की जीत है, बुजुर्गों के आशीर्वाद की जीत है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं एक लंबाई में जरूर बड़ा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, जो लंबे समय से 1977 आज मेरे लक्ष्मणगढ़ में काफी लोग आए हुए हैं, इन्होंने देखा है मेरा 25 साल का कार्यकाल, 28 साल का कार्यकाल, मैं आपको इस अभिनंदन और स्वागत नहीं है कि जो मुझे कांटों का ताज आपने पहनाया है, आपने मुझे विश्वास किया है, उस विश्वास को कायम रखूंगा, चिंता करने की आवश्यकता। मैंने हमेशा इस बात को कहा, धोध की सभी सम्मानित समाज के सामने मैंने बात रखी कि मैं काम में विश्वास रखता हूं, विश्वास चुनाव के बाद सब सम्मानित लोग मेरे सम्मानित लोग हैं, मैं सबकी सेवा करूं, तुम पकड़ो, चुनाव के बाद हम सब हमें एक जाजम पर बैठ के गांव के विकास की बात करनी चाहिए, नगर के विकास की बात करनी चाहिए, धोध की उन्नति कैसे हो उस बात की चर्चा करनी चाहिए, नगर पालिका में क्या क्या विकास करने उसकी चर्चा करनी चाहिए। छोड़िए बात चुनाव से पहले जी बीजेपी कांग्रेस कौन थे, हमें विकास करना है, हमें ऊपर उठ के बात करनी है।
हमें किसी की बुराई, कौन वोट दिया नहीं दिया, ये चर्चाएं खत्म होनी चाहिए। एक ही चर्चा हो कि राजस्थान के नक्शे पे वोट का नक्शा आगे कैसे हो, किस बात की। हमें एक ही चर्चा करनी है कि गरीब आदमी को न्याय कैसे मिले, किसान को न्याय कैसे मिले। किसान बड़ा दुखी है, उसको एक पटरी पे और किसान अच्छी स्थिति में कैसे है, ये चर्चा करनी है। गरीब आराम से उसको न्याय मिले, बिजली और पानी की व्यवस्था हो। मैं घर घर में गली गली में घूमा हूं, मुझे पता है कि धोध की गरीबों की हालत क्या है, दलितों की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है, छोटे छोटे हमारे व्यापारी कितनी दुखी, इनकी हालत क्या है। माइनोरिटीज के मोहल्लों में क्या क्या सुधार करना उसका मुझे मालूम है, कैसे तकलीफ में माइनोरिटीज के लोग, मुझे मालूम। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है धोध के विकास की। सुभाष जी ने बड़े दमखम से कहा है मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने बाबा साहब की मूर्ति है, वो फोटो लगी हुई है, जिस बाबा साहब ने हिंदुस्तान का कानून बनाया, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक दिया। और मैं आपके बीच खड़ा हूं आज, जिस जाति से जिस समाज से आया हूं, आज आपने विधायक बनाया इस बाबा साहब की देन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन उस जिस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं रखते बाबा साहब, सभी जातियों का एक सम्मान दिया। आज रिजर्वेशन नहीं होता, मेरा एक छोटा सा गरीब परिवार का, जो दलित परिवार का आपके सामने खड़ा है, आज एमएलए नहीं बनता, एमपी नहीं बनता, आईएएस अफसर नहीं बनता, आरएस नहीं बनता, नौकरी में उसकी जगह नहीं मिलती, ये सिर्फ उस बाबा साहब के संविधान की देन है। इसलिए मैं चाहूंगा हम सब समाज के लोग मिलकर सबका ध्यान रखें, इस धोध की उन्नति कैसे हो, इस नगर पालिका को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, आपके आपके सहयोग की आवश्यकता है, किसान की सहयोग की आवश्यकता है, गरीब के सहयोग की आवश्यकता है, 3600 बिरादरी की आवश्यकता है। मुझे आशीर्वाद दोगे तब मुझे हिम्मत होगी, मालिक हिम्मत दे कि आपके विश्वास को कायम रख सके, मालिकों शक्ति दे कि आपने 25 साल से जो काम अधूरे पड़े हैं, जो 5 साल का मुझे कहना चाहिए कुशासन खत्म हुआ है, सुशासन चालू हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं। छोटी छोटी बात के लिए गरीब आदमी को न्याय नहीं मिली 5 साल के अंदर, किसान को न्याय नहीं मिली, आम गरीब को न्याय नहीं मिली। मैं आपका पहरेदार की सेवा करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे कोई पार्टीबाजी से मतलब नहीं। मैं एक दिन मुझे खुशी होगी इस नगर पालिका के अंदर वार्डों के अंदर काम हो, सफाई हो। मैं पुनः मेरे इस चेयरमैन को बाबूलाल को कहूंगा, आज से लग जाओ, बहुत जिम्मेदारी आ गई अपने ऊपर, बहुत जिम्मेदारी है। आज तक अपनी सरकार नहीं थी, हम कह सकते थे हमारा अधिकारी नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। आज के बाद आपकी और हमारी और इस वार्ड के पार्षद, सम्मानित पार्षद की जिम्मेदारी है इस नगर में सफाई, नालियों का काम, रोड का काम, जो भी समस्या है माइनोरिटीज के मोहल्ले में, गरीबों के मोहल्ले में, व्यापारियों के मोहल्ले में, सभी समाज के मोहल्ले में जो भी समस्या है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, हमारा धर्म बनता है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे। आज हमने जो आपने आशीर्वाद दिया है उसको प्यार से और मेहनत के साथ आपसे कंधा से कंधा मिला के इन कार्यकर्ताओं ने जो जोश के साथ मेहनत की है, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मेरे कार्यकर्ता नौजवान, उनको पुनः कहना चाहूंगा आपके बीच खड़ा हूं, कभी मेरी आवश्यकता हो फोन करने की आवश्यकता है, आपको घबराने की आवश्यकता है। मैं सभी अपील करना चाहूंगा, समाज के अंदर गरीब हैं, गरीब लोग हैं, हर समाज में दुखी है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, किसी गरीब को तंग मत करना, किसी गरीब को तंग मत करना, चाहे 1000 काम करना भी, गरीब तंग नहीं हो चाहे किसी भी समाज को। हमें वो प्यार सम्मान देना है धोध की जनता को। मेरे भाई भाव और बहनों को ये महसूस होगा कि तुम्हारा रखवाल आगे आ गया है, तुम्हें कोई देखेगा नहीं, कर ये मैंने 25 साल लक्ष्मण गढ़ में किया।
रात भी मेरी बेटी बैठी अकेली, किसी मनचले की हिम्मत की मेरी बच्ची की तरफ या मेरी बेटी की तरफ देख ले। इसलिए मैं आपको पुनः हाथ जोड़ के कहूंगा कि धोद की जनता गरीब का ध्यान रखे, कोई किसी सताए नहीं, किसी को जो भी जरूरत हो उसकी मदद करे, भगवान आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खूब मजबूत करे। इसलिए लंबे चौड़े भाषण देने की आवश्यकता नहीं, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ। इस मौके पे पुनः सुभाष जी को जो प्रधान जी ने आपको कहा है कि परशुराम कहता हूं करता करके बताऊंगा मैं आपको। मुझे मालूम है कि नगर के अंदर सुभाष जी क्या क्या कमियां हैं, आपकी लिस्ट होगी, मैं आदेश करा दूंगा 2 मिनट के अंदर। मुझे मालूम है, मुझे आज घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम पड़ेगा। मेरे पास मैं बलराम जी जाखड़ साहब के साथ आया था, यहां सब लोगों ने एक मांग रखी थी जाखड़ साहब को, मुझे आज भी याद है। कुछ व्यापारी, कुछ गरीब लोग आए, किसान के बच्चे आए कि साहब 5 रुपए का स्टाम्प लेने जाते हैं दातारामगढ़ तो 100 रुपए खर्चा होता है, किसान का बेटे का, व्यापारी का बेटे का, दलित के बेटे का। मैं आया, मैंने कहा मेरे से जनप्रतिनिधि लोग मिले कि बड़ी समस्या है तहसील की, मैंने कहा सरकार बन जाएगी चाहे हर या जतू आपकी तहसील के आदेश भिजवा दे, और मैंने भिजवा। अब मुझे मालूम इस तहसील का क्या करना है, वो मुझे मालूम करने की आवश्यकता है। सचिव साहब और बैठे काम करने वाला आदमी हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, काम करूंगा और आपको बताऊंगा आदेश कैसे आ रहे हैं। हाँ, वो चुनाव की बात नहीं है, अब चुनाव आप जीत गए हो, आपको जिम्मेदारी है कि आप काम करो, लोगों का सम्मान करो, लोगों का। ये उधर बातें हैं, इधर बातें, उस क्या कर दिया वो के, उस खुदा के लिए छोड़ो इन बातों, एक ही बात करो कि वर्ल्ड में सब समाज के लोग खुश कैसे, सब समाज के लोग चैन से कैसे रहो, सब समाज के लोग एक विकास की गति में भागीदारी कैसे बन सके। मैं चाहूंगा कि धोद की जनता ये महसूस करेगी कि राज के अंदर हमारी भागीदारी है, हर व्यक्ति की, हर किसान की, हर गरीब की, हर दलित की, हर आम जनता की भागीदारी होगी, तभी तो हमारा जीतना सार्थक है। बेकार है हमारा जीतना की बात नहीं। इसलिए आप लोगों ने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, मेरे छोटे से आदमी में भरोसा किया, इस भरोसे को मजबूती के साथ काम रखूंगा। आपसे आशीर्वाद लेकर के नौजवान साथियों से उनका सहयोग लेकर, माँ और बहनों का आशीर्वाद, आप बुजुर्गों जो आए हैं इनका सबका आशीर्वाद लेके हम धोद को एक विकास को नई गति क्या नई गति देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आपने जो आशीर्वाद दिया इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। धोद की जनता का भगवान भला करे, हमारी आने वाली पीढ़ियां धोद की 36 को उनका कभी कर्जा नहीं चुका सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।